हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम 16 नवंबर 2017 करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज राजनीति, खेल के साथ साथ विश्व की कई ऐसी घटनाएं इस वीडियोस में हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी करेंट अफेयर्स का लाभ ले सकें। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, सक्षम। देखते हैं सक्षम क्या है। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए देश के सबसे बड़े समयबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रोजेक्ट सक्षम की शुरुआत की। तो सक्षम जो है एक कौशल प्रशिक्षण प्रोजेक्ट है जिसको भारतीय रेलवे ने स्टार्ट किया है। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे के द्वारा अपने कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सक्षम नामक एक समयबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। अगला है सुजाय घोष। फिल्मकार सुजाय घोष ने IFFI यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इंडियन पैनोरमा संभाग के जूरी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सुजाय घोष कौन है। सुजाय घोष जो हैं ये एक फिल्मकार हैं। इन्होंने जो है IFFI यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इंडियन पैनोरमा संभाग के जूरी प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है वैश्विक पासपोर्ट पावर सूची। हाल ही में जारी की गई वैश्विक पासपोर्ट पावर सूची में भारत को 75वां स्थान दिया गया है। तो आपको भारत का स्थान याद रखना है कि भारत को वैश्विक पासपोर्ट पावर सूची में 75वां स्थान मिला है। और मुख्य बात क्या है कि इस सूची में सिंगापुर को पहला स्थान मिला, जर्मनी को दूसरा स्थान दिया गया। तो पहला, दूसरा और भारत का, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। तो पहला स्थान सिंगापुर का है, दूसरा स्थान जर्मनी का है और 75वां स्थान भारत का है। सिंगापुर पासपोर्ट को विश्व का सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित पासपोर्ट माना गया है। और इसमें एक मुख्य बात ये भी निकल के आ रही कि जो सिंगापुर का पासपोर्ट है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित पासपोर्ट है। तो वैश्विक पासपोर्ट पावर सूची में भारत को 75वां स्थान मिला, पहला स्थान सिंगापुर को मिला और दूसरा स्थान जो है वो जर्मनी को मिला। नेक्स्ट है रोबोट को नागरिकता। देखते हैं किस देश ने दिया रोबोट को नागरिकता। सऊदी अरब ने रोबोट को नागरिकता प्रदान की है। देखिए, सऊदी अरब जो है एक इस्लामिक कंट्री है, इसने रोबोट को मान्यता दे दी। सऊदी अरब रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश है। और सबसे खास बात ये निकल के आ रही है कि ये सऊदी अरब जो है विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने रोबोट को भी नागरिकता दे दी। अब रोबोट की खासियत देखते हैं कि आखिर क्या खास बात है इसको नागरिकता दे दी गई सऊदी अरब की। रोबोट चेहरे पर आने वाले हाव भाव पहचानने और किसी के भी साथ सामान्य बातचीत करने में सक्षम है। तो यानी कि ये पूरी तरह इंसान की तरह बिहेव करेगा ये रोबोट। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एक लाइन बस है कि सऊदी अरब ने रोबोट को नागरिकता प्रदान की और ये विश्व का पहला देश है जिसने रोबोट को नागरिकता दी है। नेक्स्ट है मणिका जैन। कंबोडिया गणराज्य के लिए भारत के राजदूत के रूप में मणिका जैन को नियुक्त किया गया। तो इनको जो है कंबोडिया गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है। मणिका 1993 बैच की IFS अधिकारी हैं। वर्तमान में मणिका मेलबर्न में भारत की काउंसिल जनरल पद पर कार्यरत हैं। तो आपसे वन लाइनर पूछेगा एग्जाम में कि मणिका जैन कौन है, या फिर हाल ही में कंबोडिया गणराज्य के लिए भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है। तो मणिका जैन याद रखिएगा, इनका चित्र भी आप देख लीजिए, आप इनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है सिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में सिंडा आर्डन को नियुक्त किया गया है। सिंडा न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे कम आयु की प्रधानमंत्री हैं। तो सिंडा जो है एक फीमेल है और ये न्यूजीलैंड की हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। और ये सबसे खास बात है कि सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड की। सेथु रत्नम रवि को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE जिसको बोलते हैं का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी देखिए, हाल ही में CEO नियुक्त किया गया था आशीष चौहान को। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ अध्यक्ष की बात हो रही है, वहाँ CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात हो रही थी। तो सेथु रत्नम जो है ये BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने धीरेंद्र स्वरूप का स्थान लिया। तो दो मुख्य बातें होती हैं अपॉइंटमेंट के समय। अपॉइंटमेंट में ये देखा जाता है कि उन्होंने किसका स्थान रिप्लेस किया है और कौन नए नियुक्त हुए हैं। तो नए नियुक्त जो हुए हैं सेथु रत्नम रवि और इन्होंने धीरेंद्र स्वरूप का स्थान लिया है। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है, BSE की स्थापना 9 जुलाई 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और जो BSE का इंडेक्स होता है दोस्तों उसको सेंसेक्स कहते हैं और इसके CEO जो है आशीष चौहान हैं। तो ये इतने सारे पॉइंट याद रखिएगा, BSE से आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगे सारे। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर।
अमिताभ बच्चन को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI ने पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपके लिए मुख्य बात एग्जाम के लिए वन लाइनर ही बनता है इसमें कि हाल ही में किस अभिनेता को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ बच्चन याद रखिएगा। और एक छोटी सी चीज़ और जान लीजिए कि इसका आयोजन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था इसका आयोजन गोवा में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल कल्याण अवार्ड। आनंद कुमार को राष्ट्रीय बाल कल्याण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये उनको शिक्षा में योगदान के लिए दिया गया है। देखिए आनंद कुमार जो है बिहार में इन्होंने एक अपनी कोचिंग संस्थान बनाई हुई है, ठीक है, उसमें ये क्या करते हैं टॉप 13 स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसको जो है उनकी तैयारी करवाते हैं IIT JEE के लिए और उनके परीक्षा की पूरी तैयारी करवाते हैं, तो इसीलिए इनको इस साल जो है राष्ट्रीय बाल कल्याण अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड 14 नवंबर को दिया गया है भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा। देखिए जो राष्ट्रीय बाल कल्याण अवार्ड है ये बाल दिवस पे दिया जाता है यानी कि 14 नवंबर को दिया जाता है, तो मुख्य बात ये है आपको बस एक वन लाइनर याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी जानकारी के लिए मैंने बताई कि आपको याद रखना है राष्ट्रीय बाल कल्याण अवार्ड किसको दिया गया, तो आनंद कुमार याद रखिएगा। जगदीश मोहन, देखते हैं ये क्यों चर्चा में है। शास्त्रीय संगीत के कैराना घराना के मशहूर गायक जगदीश मोहन का निधन हो गया। देखिए कहीं कहीं कैराना घराना कहीं कहीं किराना घराना लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कैराना किराना दोनों में से कोई भी आए तो आप बस इतना समझिएगा जगदीश मोहन जो है वो शास्त्रीय संगीत के कैराना या किराना घराना से मशहूर हैं, मशहूर गायक थे और ये इनका निधन हो गया है। तो जगदीश मोहन का हाल ही में निधन हो गया, आपसे एग्जाम में पूछेगा हाल ही में जगदीश मोहन का निधन हो गया ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये शास्त्रीय संगीत के कैराना घराना से संबंधित थे। और एक मुख्य बात है कि इनको संगीत सरताज अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखते हैं एक और मुख्य चीज़ है, नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2017-18 में 6.2% की दर से बढ़ेगी, तो आपसे वन लाइनर एग्जाम में पूछेगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2017-18 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ेगी, तो 6.2% यानी कि 6.2% की वृद्धि दर से। नेक्स्ट है अदिति अशोक LPGA ग्रुप टूर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। देखिए सबसे मुख्य बात है कि अदिति अशोक कौन है, ये भारतीय गोल्फर हैं और इन्होंने जो LPGA ग्रुप टूर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इसके साथ साथ ये भारत की पहली ऐसी महिला बन गई हैं, महिला गोल्फर बन गई जो LPGA ग्रुप टूर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करी हैं, तो ये मुख्य बात हो गई, इन्होंने पहली बार मतलब कुछ ऐसा किया जो महिला जिस श्रेणी में पहली बार है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ पहली बार होती है या फिर कोई महिला या फिर पुरुष पहली बार किसी स्थान पर जाता है या फिर नियुक्त होता है तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अदिति अशोक याद रखिएगा ये भारतीय महिला गोल्फर हैं और इन्होंने LPGA ग्रुप टूर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ये पहली भारतीय महिला गोल्फर भी हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है NTR राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। देखिए दोस्तों NTR जो हैं ये साउथ के प्रमुख लीडर थे, इन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। रजनीकांत और कमल हसन को NTR राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह पुरस्कार कमल हसन को 2014 के लिए और रजनीकांत को 2016 के लिए दिया गया है, तो इसमें आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है कि NTR राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किसको किसको दिया गया, तो रजनीकांत और कमल हसन को दिया गया है और मुख्य बात है कि कमल हसन को 2014 के लिए और रजनीकांत को 2016 के लिए दिया गया है। अब देखते हैं जौहर क्या है, यहाँ करण जौहर की नहीं बात हो रही है ना ही जौहर प्रथा की बात हो रही है। जौहर जो है एक योजना है इसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड में स्टार्ट किया है और जौहर का फुल फॉर्म दोस्तों है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हरनेशिंग रूरल ग्रोथ, ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण गरीब लोगों की आय को दोगुनी करना है, तो योजना का उद्देश्य याद रखिएगा और उसकी लागत 1500 करोड़ रुपये है, तो 1500 करोड़ लागत याद रखिएगा और योजना का उद्देश्य याद रखिएगा ग्रामीण गरीब लोगों की आय दोगुनी करना। नेक्स्ट है सऊदी अरब ने योग को खेल गतिविधियों के रूप में सूचीबद्ध किया। देखिए सऊदी अरब से फिर एक अरेबियन कंट्री से एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि
हाल ही में किस देश ने योग को खेल गतिविधियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो सऊदी अरब, याद रखिएगा। और बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, यहाँ की मुद्रा रियाल है। और सऊदी अरब में जो किंग होते हैं, वो राजा होते हैं वहाँ के, उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, सारे क्या चार ही पॉइंट हैं, आपको बस इतना याद रखना है वन लाइनर कि सऊदी अरब ने योगा को खेल गतिविधियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। और मुद्रा पूछ ले तो रियाल है सऊदी अरब की मुद्रा, और वहाँ की राजधानी रियाद है, तो रियाद और रियाल दोनों देखिए रिदम्स मिल रहे हैं, तो आसानी से याद हो गए आपको अभी के अभी। और बात करें राजा की, तो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं यहाँ के राजा। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और उसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी डेली करंट अफेयर्स सेशन का और जीएस का लाभ ले सकें। थैंक यू।